हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, इस समय मैं द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल पास हूं। मैं इसके बाद पहले दर्शन करूंगा। दर्शन करने के बाद ये देखिए, ये टिकट काउंटर है। यहां से मैंने कुछ बोलता हूं, आ जाइए सर। ये कितना टिकट है यहां का द्वारका दर्शन का? अगर आपको द्वारका गुजरात दर्शन के लिए आना है तो आप पहले मंदिर द्वारकाधीश का दर्शन करो, उसके बाद आगे जाओगे तो जोशी जी टूर्स एंड ट्रैवल्स है, हमारा बेट द्वारका का पूरा हमारा बस जाता है। 120 रुपया सिर्फ किराया है, सिर्फ 120 रुपया। 80 किलोमीटर का पूरा राउंड होता है। बस यहाँ से जाती है पहले गोपी नागेश्वर, रुक्ष्मणी मंदिर और बेट द्वारका, वापिस 2 बजे वापिस जाती है। आपका शुभ नाम सर? रजनीकांत जोशी। तो यहाँ से हमने टिकट करा लिया है और बस 7:30 बजे रवाना होगी, जो कि 80 किलोमीटर का टूर है। ये करा करके दोपहर को 2 बजे वापस लाते हैं, 2 बजे करीब ये वापस ला करके यहाँ छोड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बस के पास। और ये बस है हमारी, ये हमको द्वारका दर्शन कराएगी। तो इसको मैं आपको अंदर से दिखलाता हूँ। सही 7:30 बजे हमारी बस जो है द्वारकाधीश मंदिर के पास से अपने सफ़र के लिए चल निकली है, जो कि हमारा पहला पड़ाव श्री रुक्मणी मंदिर है और यह श्री कृष्ण जी की पत्नी हैं। दोस्तों, इस समय हम अपने पहले पड़ाव रुक्मणी माता रुक्मणी मंदिर आ चुके हैं। तो चलिए हम रुक्मणी मंदिर चलते हैं। यह मंदिर भेट द्वारका जाते समय रास्ते में मुख्य द्वारका से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह है रुक्मणी माता का मंदिर है और यह एक बहुत ही विशाल मंदिर है। दोस्तों, हम रुक्मणी मंदिर को दर्शन करके आ गए हैं और अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी तो आप जानते ही हैं करने देते हैं। तो अपने दर्शन करने के बाद सब बस पर चलते हैं और यहाँ के बाद हमारी बस हमको लेकर के जाएगी भेट द्वारका। ये सुबह सुबह भाई जाकर अच्छा से बुलाई भाई भाई वाला। ये देखिए, ये दादाजी हैं यहाँ पर, ये छाछ बेच रहे हैं द्वारका की नगरी में। और ये मैंने लिया है, ये 10 रुपये का गिलास है और वास्तव में ये बहुत ही गाढ़ा छाछ है। और देखिए किस तरह का है, कितना गाढ़ा है। दोस्तों, इस रुक्मणी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब ये बस हमें लेकर के चलेगी नागेश्वर टेम्पल, जो कि इस रुक्मणी मंदिर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ दोस्तों, इस समय हम नागेश्वर धाम आ चुके हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो और ये देखिए, ये मुरारी बापू जी 6 अगस्त को यहाँ उनकी कथा हुई थी। और इस कथा के और इस जो पूजनीय मुरारी बापू जी हैं उसके उनके बारे में बतला दूँ कि ये IRCTC की एक ट्रेन जो है 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकली हुई है दिल्ली से यानी कहाँ से, और वो 12 ज्योतिर्लिंग का टूर करा रही है। तो कल 6 तारीख को उनका यहाँ नागेश्वर धाम में उनकी कथा थी मुरारी बापू जी की। और हमारा सौभाग्य था कि हम उस दिन थे, हमें मालूम नहीं था, नहीं तो हम उस कथा में आते। तो चलिए, कुछ नहीं, हमारे नसीब में नहीं था। ये श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, स्थित है। और दोस्तों, वैसे तो हर मंदिर में वीडियो फोटोग्राफी वगैरह वर्जित रहता है, यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी लोग श्रद्धालु यहाँ फोटो वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने भी आपको नागेश्वर महादेव जी के दर्शन करा रहा हूँ, ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापस बस पर चलते हैं, जहाँ से हम अपनी यात्रा भेड़ द्वारका के लिए रवाना होगी। तो चलिए अब हम बस पर चलते हैं। दोस्तों, इस समय हम नागेश्वर महादेव टेंपल से गोपी तालाब के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ नागेश्वर महादेव टेंपल से जिसकी दूरी 5 किलोमीटर की है। दोस्तों, इस समय हम गोपी तालाब आ चुके हैं और इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों गोपीनाथ जी के मंदिर में हम दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद हम इस तालाब पर आते हैं। वृंदावन की गोपियां आखिरी बार यहीं द्वारका में श्री कृष्ण से मिली थी। भगवान के द्वारका चले जाने के बाद वृंदावन की गोपियां इस अलगाव को सहन नहीं कर सकी और आखिरी बार उनसे मिलने आई। अंतिम रास लीला के बाद सभी गोपियों ने इस भूमि की मिट्टी में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और इसी गोपी तालाब के पास ये देखिए, एक मंदिर में तैरता हुआ राम नाम का पत्थर भी है, जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। इस समय हम जो आने वाले गोपी तालाब से अब हम भेड़ द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं बस के द्वारा। तो बस की दूरी जो यहाँ की जो भेड़ द्वारका की दूरी है वो करीब 25 किलोमीटर की है। तो देखते हैं हम, कम से कम इसको हमें आधा या पौना घंटा लगेगा पहुँचने में हमें। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है भेड़ द्वारका और यहाँ पर हमें समय भी काफ़ी लगेगा, क्योंकि हमें बोट के द्वारा उस टापू पर जाना है। दोस्तों, इस समय हम ओखा जेटी पोर्ट पर आ चुके हैं। यहाँ से हमें जेटी के द्वारा भेड़ द्वारका जाना पड़ेगा और यहाँ देखते हैं टिकट लेना है क्या लेना है। एक आदमी टिकट ले लो, दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने ये टिकट ले लिया 20 रुपये का आने और जाने का। ये टिकट है आने और जाने का, जो कि ये 40 रुपये का पड़ा है आने और जाने का। और इस समय यहाँ भीड़ बहुत है। हम जेटी के द्वारा ओखा जेटी से भेड़ द्वारका के लिए जा रहे हैं, जिसका कि इस बोट का हमें चार्ज देना पड़ा है 20 रुपये एक तरफ से, 20 रुपये आना और 20 रुपये जाना। और कुछ ही समय, कम से कम हमें 15 मिनट लग जाएंगे, 15 या 20 मिनट भेड़ द्वारका जो टापू है वहाँ पहुँचने में। और यहाँ पर ये श्रद्धालु देखिए किस तरह से ये महिलाएं भजन वगैरह गा रही हैं।
बनाया जा रहा है। मैं 2 साल पहले भी आया था और लगभग इसको बनने में लगभग कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही जो भी समय जा रहा है यह फुल तैयार हो जाएगा और इसके बाद श्रद्धालु जो है डायरेक्ट जेटी से ना जा करके अब वाहन के द्वारा भेड़ द्वारका टापू पहुंच सकते हैं। भेड़ द्वारका के और यहाँ से हमारी भेड़ द्वारका की पैदल यात्रा शुरू होती है। चलिए चलते हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है, हमारी बस ने हमें टाइम दिया हुआ है 12:15 का और इस समय 11 बज रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कैमरा वगैरह मोबाइल वगैरह जमा करा सकते हैं और बैग वगैरह भी यहीं रख सकते हैं। सामने ये शूज़ काउंटर है और ये सारे लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वर्जित है, मैं यहीं तक आपको दिखा सकता हूँ। ये सामने मंदिर है, इधर दर्शन करके निकल रहे हैं। ये सामने से इन पाइपों के द्वारा आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों हमने भेड़ द्वारका में जहां सुदामा जी का भेंट हुआ था वहां हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद हम वापस अपनी बस पर चलते हैं। और यहाँ के बारे में आपको एक बात बतला दूं कि ये एक छोटा सा टापू है भेड़ द्वारका और यहाँ जो आबादी है उसमें से 90% मुस्लिम आबादी है, बाकी का 10% यहाँ ब्राह्मण हिंदू है। और दोस्तों ये हमारा जो बस का जो पॉइंट था वो हमारा ये लास्ट था, इसके बाद हम वापस द्वारका जाएंगे क्योंकि द्वारका यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो द्वारका पहुँचने के बाद हम कुछ देर आराम करेंगे और उसके बाद फिर हम शाम को द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करेंगे और आपको भी उस मंदिर के दर्शन कराएंगे। दोस्तों अभी हम द्वारका दर्शन बस द्वारा अपने दर्शन करके आए हैं, 4-5 जगह हमको वापस इन्होंने इस द्वारकाधीश मंदिर के पास लाकर छोड़ा है। तो अब हम अपने रूम पर चलते हैं, नहाएंगे क्योंकि जिस समय हम जेटी से यात्रा कर रहे थे भेड़ द्वारका के लिए उस समय समुद्र का पानी हमारे ऊपर आ गया और उसने हमें पूरा भिगो दिया जिससे कि हमारा शरीर पूरा नमक में हो गया है। तो हम पहले अपना स्नान करेंगे उसके बाद आराम करेंगे 2 घंटे, फिर हम शाम को निकलेंगे द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हमें हम सुदामा सेतु पर चलते हैं। यह गोमती नदी पर बना हुआ है, सुदामा सेतु को पार करके हम समुद्र की तरफ चलेंगे। सनसेट हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि सुबह से सूरज निकला नहीं है, तो सनसेट का तो कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ से द्वारकाधीश जी का मंदिर देखते हैं। तो सुदामा सेतु हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस समय सुदामा सेतु बंद कर रखा है, वो इसलिए कि बारिश का मौसम है तो समुद्र के किनारे पानी में नहीं जाने देते और श्रद्धालु मानते नहीं हैं। समुद्र में इस समय हाई टाइड रहता है जिससे भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो सुदामा सेतु और समुद्र के पास नहीं जा सकते, वहाँ प्रतिबंध लगा रखा है। तो धर्मशाला में हमने आराम करने के बाद इस समय 5 बज रहे हैं और हम इस समय द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको लिए चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर। अंदर तो ये वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, बाहर से ही आपको दिखलाएंगे। ये मंदिर परिसर है और यहाँ देखिए इस गली में सामने से एंट्रेंस गेट है
और यहाँ पर आप लोग जूता वगैरह अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों ये गोमती नदी की तरफ से ये एंट्रेंस है और ये सामने द्वारकाधीश मंदिर। दोस्तों देखिए ये सुदामा सेतु है और इस समय इसको हाई टाइड की वजह से बंद कर दिया गया है क्योंकि जनता उधर समुद्र के किनारे पहुंचती है। देखिए दोस्तों इस समय मैं द्वारकाधीश की नगरी द्वारका में हूँ, जहाँ पर मैंने आज आपको द्वारकाधीश के दर्शन कराए, मंदिर के दर्शन कराए और यहाँ जो बस के द्वारा जो मैंने टूर किया वो मैंने आपको दिखलाया। और दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़, और मैं लाता रहूँगा आपके लिए एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।